गुरुवार की दोपहर बाद आई आंधी पानी से शहर समेत सीतापुर जनपद के अधिकतर इलाकों की बत्ती गुल हो गई थी। 24 घंटे बीतने को हैं, फिर भी अधिकांश जगहों पर अभी तक आपूर्ति ठप ही है। पावर कॉर्पोरेशन की माने तो 22 खंभे क्षतिग्रस्त हुए थे, लेकिन 24 घंटे बाद भी उन 22 खंभों को अभी तक दुरुस्त नहीं किया जा सका है। लाखों की आबादी जिले की है जो भीषण गर्मी में तो त्राय त्राय कर ही रही है, पेयजल के संकट से भी जूझ रही है। तो क्या कुछ माहौल इस समय है जनपद का बिजली के अभाव में और पेयजल के अभाव में? हमसे जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एटर्नी चीफ पंकज सिंह गौर जी, बताइए क्या इस समय पब्लिक परेशानी का सामना कर रही है? बिल्कुल उदय, आपको बता दें कि राजधानी से सटे सीतापुर जनपद की लाखों की आबादी पिछले 24 घंटे से बिजली और पानी को लेकर त्राह त्राह कर रही है। जिस समय पारा सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ है, लोगों की हालत सूख जा रही है। ऐसे में कामना कीजिए कि लोगों को बिजली न मिले और पानी न मिले, क्या उन पर गुजर रही होगी, ये सोचकर ही हर आदमी सहर उठेगा। क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल गुरुवार को जो दोपहर बाद तेज आंधी और पानी आई थी, उसके बाद जो पेड़ गिरे थे पोलों पर और कई पोल टूट गए थे, बिजली व्यवस्था चरमरा गई थी। हालांकि विद्युत विभाग के अधिकारी रात दिन युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 24 घंटे बीत चुके हैं। अभी तक कई गांव ऐसे हैं, हमारे पास जो ग्राउंड लेवल से जानकारी आ रही है आई इंडिया के पास, 1000 से भी ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां पर पिछले 24 घंटे हो गए बिजली के दर्शन नहीं हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं इसमें शहर के भी कई मोहल्ले हैं जहां पर बिजली न होने के चलते बूंद बूंद पानी को लोग तरस रहे हैं। कई ग्रामीण इलाकों में सिंचाई व्यवस्था प्रभावित है, तो शहरी इलाके में क्योंकि बिजली का कनेक्शन कहीं ना कहीं पानी से होता है, जब बिजली 24 घंटे उन्हें नहीं उपलब्ध होगी तो पानी उन्हें कैसे मिल रहा होगा, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। क्या उन पर गुजर रही होगी? जैसे तैसे आंधी के बाद तो उन्होंने समय काट लिया, लेकिन जब देर रात हुई फिर भी बिजली नहीं आई, तो ऐसे में ना तो उनकी नींद पूरी हुई और ना ही उन लोगों ने भरपेट जो है भोजन पका पाए और खा पाए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किन परेशानियों से ऐसे लोगों को गुजरना पड़ रहा होगा। और लगातार आई इंडिया ऐसे इलाकों की तस्वीरें ला रहा है और उन जिम्मेदारों तक पहुंचा रहा है। हमने अधीक्षण अभियंता नंदलाल से भी बात कर जानने की कोशिश की, तो उन्होंने भी बताया कि जल्द से जल्द जो है बिजली सप्लाई चालू कर ली जाएगी, लेकिन आई इंडिया के पास अब चूंकि ग्राउंड लेवल से जानकारियां आ रही हैं, तो उनके मुताबिक इस समय जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़े पैमाने पर आंधी पानी से हुआ था, और उसके बाद जो विद्युत विभाग के लोग हैं उसको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। लेकिन अभी भी अगर बात करें तो बहुत सारे गाँव हैं, एक तरफ से हम बताना चाहेंगे कि किस इलाके में कहां पर बिजली सप्लाई नहीं पहुंच रही है। हमारे पास जो बिस्वा के संवाददाता हैं अमित जायसवाल, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उनके मुताबिक अगर बात करें बिस्वा तहसील इलाके के मानपुर इलाके के जो गांव हैं उनमें मानपुर बन्नी सराय, इटदाह, गोवर्धनपुर, परसेहरा, न्योराजपुर, कहिमारा, मौजमपुर, करौंदीपुर, दानापुर, दासापुर, किशनपुर, अलाउद्दीनपुर, मोहारी, इटदाहपुरवा, बढ़ईदीपुरवा, रमईपुर, फतेहपुर, अहमदाबाद, ईश्वरीपुरवा, बदनापुर, चंपारणपुर, घाटमपुर, बलदेवनगर, दुधियापुर, शुक्लनपुरवा, शीतलपुरवा, दमैला, सरवाहनपुरवा, लीलापुरवा, कटिया, नसीरपुर, अनंत सिंह, सलेमपुर, पचघरा, कारीपुर, जसवंत नगर, बन्नी खरेना, राजापुर, भुरकुरी, जमालपुर, धर्मपुर, महाराज नगर, गजनीपुर, कालापुर, सतारगंज, ईसेपुर, बिराहमपुर, तेवला, सहजनापुर, शंकरपुर, तेवला, कटरा, अटारी, दौदापुर, सादीपुर, बघपुरवा, रमपुरवा, देव शर्मा, तिलोकपुर, बारासिंघा, कौवाखेरा, जलाबाद, जघनी, लघनिया, ये गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। यहां से जो जानकारी मिल रही है, जो खासकर बिस्वा तहसील इलाका है वहां पर सबसे ज्यादा गांव प्रभावित हैं बुरी तरीके से।
वहां के लोगों से भी जो है अमित जायसवाल ने जब विद्युत विभाग के अधिकारियों से जानकारी जुटाई तो उनके मुताबिक 400 गांव ऐसे थे जहां पर बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से आंधी पानी के बाद ध्वस्त हो गई थी, लेकिन 5 से 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो विद्युत विभाग के कर्मचारी थे वो अर्धरात्रि में 80 गांवों में तो बिजली आपूर्ति को सुचारू रूप से कर लिया था, लेकिन 320 गांव ऐसे भी हैं जो पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा समय से अंधेरे में डूबे हुए हैं। ये कहना है जो हमारे संवाददाता हैं उन्होंने बताया। आपको यह भी बता दें कि जो विद्युत विभाग के अधिकारी हैं उनका कहना है कि वो लगातार युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि काफी पेड़ उखड़ गए थे आंधी में और वो पेड़ सीधे तौर पर पोलों पर गिर गए थे, इस वजह से पोल भी क्षतिग्रस्त हो गए, जिस वजह से ये बिजली की सप्लाई आ रही है। जो बिस्वा के अवर अभियंता हैं बीके सिंह, उन्होंने जानकारी दी है कि 25% बिजली आपूर्ति को उन्होंने दुरुस्त कराकर उसे चालू कर दिया है, लेकिन उनके इलाके में 40 पोल और HT जो LT लाइन है जिसके 100 इंसुलेटर हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो उसको दुरुस्त किया जा रहा है। इस वजह से ये देरी हो रही है, लेकिन जो वहां के विद्युत खंड अधिकारी विशाल शर्मा हैं उनका कहना है कि 40 से 50 पोल टूटे हैं, इनका एस्टीमेट बनाकर भेजा जा रहा है, 1-2 दिन में बिजली आपूर्ति सामान्य कर ली जाएगी। तो अभी इस गर्मी में बिस्वा के ग्रामीण इलाके के लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन बिस्वा के जो विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्होंने रात दिन लग करके, ऐसे गांव हैं जहां की बिजली सप्लाई को ठीक भी कर लिया है। विद्युत अधिकारियों की माने तो ईदगाह पुरवा, नई बस्ती, सत्तिनपुरवा, बेनीपुर, बरगदिया, भगवानपुर, केवटी, बिसिंडा, कटियापुर, रुकनापुर, मैनापुर, नसीरपुर, कुमदौरा, देवकलिया, नई बस्ती, जलालपुर, सहरी सराय, निजामाबाद, कबीलाबाद, कुटरा, जोगीपुर, बिलझरिया, संजय नगर, राजडी, सेखनपुरवा, निपनिया, पैगरवा, निपनिया, इटिया सहित इत्यादि में बिजली आपूर्ति को दुरुस्त कर लिया गया, यानी यहाँ पर बिजली सप्लाई को बहाल कर दिया गया है। लेकिन और जो हमारे संवाददाता सदना से जो है राजेंद्र सिंह ने जो जानकारी दी है उनके मुताबिक विकासखंड गुंदरामो इलाके में 2 पावर हाउस हैं 33 KV के, जिनमें से 1 पावर हाउस गुंदरामो में है तो दूसरा सदना में है। दोनों पावर हाउस जब आंधी पानी आया था तो उसी दौरान ठप हो गए थे, लोगों के घरों में जब अंधेरा कायम हुआ वो अंधेरा आज भी कायम है। तो ये 250 ऐसे गांव हैं गुंदरामो ब्लॉक इलाके के जहां पर सिंचाई व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई है, गांव अंधेरे में डूब गए हैं। ये हाल था गुंदरामो ब्लॉक इलाके का। अब हम आपको एलिया ब्लॉक का हाल बताते हैं, वहां से हमें शेर सिंह ने जानकारी दी है। उनके मुताबिक इमलिया सुल्तानपुर में 33/11 व काजी कमालपुर में, कमलापुर में जहाँ 33/11 2 जो है यहाँ पर विद्युत उपकेंद्र थे, आंधी पानी आने के बाद ये भी प्रभावित हुए और इलाके के 150 गांव अंधेरे में डूब गए, यहाँ भी पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। तो ये हाल है इस इलाके में, गौशाला बने हुए हैं, पशुओं के सामने भी पेयजल की दिक्कत खड़ी हो गई है। जो वहां के जेई हैं अमित यादव, उनका कहना है कि कई जगह खंभे गिर गए हैं, आज उम्मीद कर रहे हैं कि देर रात तक बिजली को सामान्य कर लिया जाएगा। उनका पूरा स्टाफ बिजली व्यवस्था सुधार में लगा हुआ है, लेकिन ये दावा है, अब ये तो बाद में ही पता चलेगा। कसमंडा में भी यही हालत है, जहां पर 100 के आसपास गांव बताए जा रहे हैं जो पिछले 24 घंटे से अंधेरे में डूबे हुए हैं, वहां भी बेपटरी हो चुकी है बिजली, उस इलाके के बहुत सारे गांव में अंधेरा कायम है। इस भीषण गर्मी में कैसे पेयजल की व्यवस्था होती होगी, कैसे वो चलते होंगे, ये बहुत मुश्किलों वाला दौर से वो लोग गुजर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इतनी परेशानियों के बाद भी एक भी जनप्रतिनिधि का कहीं भी कोई भी ट्वीट, कोई भी जानकारी, विद्युत अधिकारियों से उन्होंने कोई बात की हो, मीडिया में उन्होंने कोई संदेश दिया हो, या विद्युत विभाग की तरफ से कोई भी जानकारी आई हो मीडिया के माध्यम से या जिले के अधिकारियों द्वारा कि कब तक दुरुस्त करा लिया जाएगा, यही बड़ी राहत की बात होती है।
लेकिन इस पर कभी कहीं से भी कोई अभी तक जानकारी अधिकृत रूप से नहीं आई है। ये जवाबदेही जहां पर होनी चाहिए वहां नजर नहीं आ रही है। आलम यह है कि शहर के कई मोहल्लों में बिजली व्यवस्था बहाल नहीं हो सकी है 24 घंटे बाद भी। शहर का ही सटा हुआ खूबपुर, अहाता कप्तान, शमशेर बाग, गौशाला, तरीनपुर, वालदा कॉलोनी, ये ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर आपको बता दें कि 24 घंटे से बिजली के दर्शन नहीं हुए हैं। चूंकि सबसे ज्यादा आंधी पानी की मार भवानीपुर फीडर पर पड़ी थी, इलाके की पूरी विद्युत व्यवस्था चरमरा चुकी है, ध्वस्त होकर रह गई और इस इलाके के लोग बूंद बूंद पानी से इस भीषण गर्मी में जूझ रहे हैं और उनको कोई बताने वाला नहीं है कि आखिर कितने बजे तक बिजली आएगी, कोई जानकारी देने वाला नहीं है। हालांकि अब विद्युत के अधिकारी जरूर बता रहे हैं कि रात 6:30 बजे के बाद बिजली व्यवस्था यहाँ बहाल कर दी जाएगी। हम आपको उदय सुनाना चाहेंगे कि जो बिन पानी बिन बिजली के जो लोग रह रहे हैं उनका दर्द वो क्या कुछ कह रहे हैं। आई इंडिया से उन्होंने अपना दर्द भी साझा किया है, तो आइए सुनते हैं। भैया बड़ी व्यवस्था खराब है, कल शाम को 4 बजे से गायब है बिजली, बच्चा अलग परेशान है छोटा है, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं लाइट की है। और कल 12-1 बजे के लगभग आंधी आने के पहले जो लाइट कटी थी तब से लाइट नहीं आई है, पानी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हो गया, इन्वर्टर ख़त्म, पानी ख़त्म, स्कूल जाना लोगों का बंद हो गया क्योंकि पानी नहीं है। न रात भर ना लाइट रही है ना पानी की व्यवस्था, कुछ नहीं। कुछ लोगों ने तो यहाँ गली में जनरेटर अपने आप मंगवा के किराए पे और अपने आप उस तरीके से सब पानी अभी भर रहे हैं, बाकी और आगे कोई पानी की व्यवस्था नहीं। सरकारी नल है, अगर जितना आ रहा वरना चला गया। समस्या कल से ऐसे ही पड़ा है और बिजली वाले अब आए हैं दोपहर से समझ लो, और बच्चे जो हैं गर्मी से परेशान हो रहे हैं, पानी भी नहीं मिल रहा है। बिजली की समस्या 23 घंटे से नहीं है, बहुत परेशानी भी है। समस्या क्या, रात भर लाइट नहीं, सब परेशान हैं, अभी तक लाइट आने का कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना पानी है ना कुछ है, परेशान है सब। कि लाइट की इतनी परेशानी है कि बच्चे तक सब परेशान हैं, बच्चे बूढ़े सब परेशान हैं, पानी की दिक्कत हो रही है। ये लगभग भाई आंधी पानी आया है, उसके बाद से लाइट अभी तक नहीं आई। 12 से 13 घंटे का है और तब से नहीं आई लाइट, सबसे समस्या हो गई है पानी की, कि लाइट गई और पानी सब खत्म है, टंकी वंकी सब खाली हो चुकी है। आपने सुना कैसे लोगों ने इस भीषण गर्मी में बिन बिजली बिन पानी के अपना जीवन जिया है और जीते आ रहे हैं और लोग परेशान हैं, लेकिन कहीं से भी मरहम लगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के युग में बिजली व्यवस्था जहां जहां बहाल नहीं हो सकी थी वो कब तक बहाल होगी, इसकी कम से कम जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से जिम्मेदारों को देना चाहिए, लेकिन किसी ने भी नहीं दी है, ये और भी गंभीर बात है। उदय जी बिल्कुल, बिजली के अभाव में जिंदगी भी बेपटरी हो गई, चूंकि बिजली एक ऐसी फैसिलिटीज है हमारे दैनिक कार्यों पर, उसका इतना ज्यादा उसकी जरूरत रहती है कि बिजली के अभाव में पेयजल का संकट भी गहराता जा रहा है। चूंकि भीषण गर्मी इस समय है तो आलम यह है कि रात में इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गए तो लोग सो नहीं पाए, उनकी नींद नहीं पूरी हुई, जैसे तैसे थके मैनेज करके व्यवस्था करके इधर उधर से नहा धो करके लोग अपने ऑफिसों को पहुंचे, अपने प्रतिष्ठानों को पहुंचे, लेकिन जो महिलाएं हैं उनको तो घर में ही रहना है, उनके सामने बड़ी समस्या है, खाना बनाने की समस्या, पानी पीने की समस्या, गर्मी से जूझने की समस्या, 24 घंटे हो गए हैं कोई बताने वाला नहीं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, जबकि नियम है कि बिजली में कोई भी दिक्कत आती है वो कब तक दूर कर ली जाएगी और आपूर्ति कब तक सुचारू होगी, इसका बाकायदा इसकी गाइडलाइन है कि उपभोक्ताओं को बाकायदा SMS करके बताना चाहिए बिजली विभाग को, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है। चूंकि बिजली विभाग के अधिकारियों के फोन भी अधिकतर नहीं उठते हैं, CUG मिलाते रहिए आप, घंटी जाती रहेगी, अमूमन तो मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे भी तो उठेंगे नहीं। तो काफी सारे दर्शकों के फोन आई इंडिया के पास आ रहे थे इस समस्या को लेकर के, लोग जानकारी चाह रहे थे कि कब तक आखिर बिजली समस्या बहाल होगी और कब उन्हें राहत मिलेगी इस बड़े संकट से। तो ये एक समस्या इंडिया ने उठाई है, दर्शकों से भी अनुरोध है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे खबर पे अपनी प्रतिक्रिया दें, लाइक करें। उदय जी, इससे पहले एक और भी महत्वपूर्ण जानकारी हम अधीक्षण अभियंता जो है उनसे आई इंडिया ने बातचीत की है, उनसे जानकारी जुटाई है। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता नंदलाल क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं ये भी सुन लेते हैं।
सर कल जब आंधी पानी आया उससे क्या बिजली प्रभावित थी? काफ़ी प्रभावित हुई, हमारे 22 पोल टूट गए सिधौली से लेके गोदलम और इस एरिया में ज़्यादा टूटे हैं, और इधर हमारे हर गांव तक और टाउन के आसपास इधर ही काफ़ी प्रभाव रहा है। तो 22 पोल टूट गए, ESTलाइन हमारी सब चालू हो गई हैं, LT के पोल लग रहे हैं जहाँ पे सप्लाई लगभग नॉर्मल होने वाली है, अभी कुछ पोल आज गए हैं लग रहे हैं। जहाँ पे विद्युत बहाल नहीं हो पाई है वहाँ क्या आपकी तरफ से तैयारियाँ की गई? नहीं, पोल चले भिजवा दिए हैं, पोल लग रहे हैं जहाँ पोल टूटे हैं, सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी सब। लगभग कितनी आबादी इससे प्रभावित होगी? अब इससे तो 2-3 ब्लॉक में दिक्कत हुई है, लाइट तो उस समय सब जगह गई थी लेकिन नॉर्मल हो गई, जहाँ अभी LT लाइन टूटी है उसका काम हो रहा है। जी आपने सुना कि उनका क्या कुछ कहना है, कितने विद्युत पोल ऐसे हैं जो ध्वस्त हुए हैं और उनको कब तक दुरुस्त करा लिया जाएगा, ये जानकारी विद्युत विभाग के अधिकारी हमें दे रहे थे। तो उदय बिल्कुल सही आपने कहा, अब जो है विद्युत व्यवस्था अगर दुरुस्त नहीं होती है तो निश्चित तौर पर लोगों में आक्रोश पनपेगा और इसको लेकर के लोग सड़कों पर भी उतर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी समस्या है, कल आई थी आंधी पानी उसके बाद ये समस्या उत्पन्न हुई, 24 घंटे हो गए हैं। तो जो भी समस्याएं हैं, जो संकट गहराते जा रहे हैं, इंडिया ने सिलसिलेवार बृहद स्तर से आप लोगों तक पहुंचाया, पूरे जनपद की खबर आप तक पहुंचाई, तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमारे खबर पर अवश्य दें, हमारी खबर को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।